हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल। और आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू एक्चुअली लर्न वर्डप्रेस। यस गाइस, वर्डप्रेस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन डिजिटल मार्केटिंग। सो प्लीज़ इस पे आप लोग सब फोकस करना एंड अच्छी तरह से सीखना, बिकॉज वर्डप्रेस सीख लेने के बाद आपको बहुत सारे आपके रास्ते खुल जाएंगे। एंड दैट इज़ वॉट आई यूज टू डू इन माई अर्लियर डेज वाइल आई वॉज जस्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। वर्डप्रेस क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। सो वर्डप्रेस इज़ नथिंग, इज जस्ट अ सीएमएस प्लेटफॉर्म, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम किसी भी तरह की वेबसाइट को बहुत ही इजीली विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग वी कैन क्रिएट। ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कंटेंट है, इमेजेस, कुछ टेक्स्ट लाइक यू नो द कंटेंट जो मैंने लिखा है या लिखवाया है, और मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, एंड उसको एक्यूमुलेट करके आई नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट। एंड मुझे तो प्रोग्रामिंग आती नहीं है, उस केस में सिर्फ आपको एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है अपने होस्टिंग सर्वर में, और आपको सिर्फ जाके वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सारा कंटेंट। बट हाँ, वो इतना भी इजी नहीं होगा जितना कि आपको लग रहा है। सो उसके लिए कुछ बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड हियर, ओके, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ राइट नाउ। एज यू कैन सी द स्क्रीन इज अबाउट माई वर्डप्रेस डैशबोर्ड, इसे गाइस वर्डप्रेस डैशबोर्ड बोला जाता है। ओके, और इस डैशबोर्ड में ही छुपा है वर्डप्रेस का वो सारा पोटेंशियल जिससे मैं किसी भी तरह की वेबसाइट को इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स डू एंड चेक इट कि इस चीज़ को कैसे किया जाता है। सो देर आर फाइव पॉइंटर्स, द मेन फाइव पॉइंटर्स, प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो सिक्स पॉइंटर्स। सबसे पहले आपको आना चाहिए कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे होता है, दैट इज़ अ पॉइंट नंबर वन। ओके, सो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको अपने सर्वर पे इंस्टॉल करना होता है, राइट। विदाउट इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आपको ये डैशबोर्ड वर्डप्रेस का नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपका ये इंस्टॉलेशन हो चुका है, देन देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न इन योर डैशबोर्ड। आपका डैशबोर्ड का इंटरफेस कैसे होता है, मैं आपको वो ईजिली यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट योर डैशबोर्ड इंटरफेस। ओके, ये कुछ ऑप्शंस आपके यहाँ पर रहेंगे। इसी ऑप्शन में जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो कि आपको सीखना है, दैट इज़ द फर्स्ट इज़ हाउ टू क्रिएट पेजेस। आपको पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं अपनी साइट के लिए, वो यहाँ पर इस सेशन में आपको समझाया जाएगा, बेसिकली मैं आपको बताऊँगा। और यू कैन से पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पेज एंड पोस्ट, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। थर्ड जो आपको सीखना है, हाउ टू क्रिएट मेन्यूज। आपको अपने साइट के पेजेस के लिए कैसे मेन्यूज क्रिएट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पांच पेजेस के कोई साइट बनाने वाला हूँ, तो हाउ टू क्रिएट एक्चुअल मेन्यू फॉर दोज पेजेस सो दैट एवरीबडी कैन विजिट टू एनी ऑफ द पेजेस ऑफ माई साइट। बिकॉज विदाउट मेन्यू किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास पेजेस कौन कौन से हैं। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि मेरे पेजेस हैं होम, अबाउट अस, मिशन, विजन, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कॉन्टैक्टर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये बताने पड़ते हैं थ्रू दिस मेन्यूज। तो हाउ टू क्रिएट दैट मेन्यूज, मैं आपको वो भी बताऊँगा, राइट। फोर्थ आपको सीखना है कि थीम को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, थीम सिलेक्शन एंड इट्स कस्टमाइजेशन। ओके, लाइक थीम को सिलेक्ट कैसे करते हैं और इसका कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। I'm not that good at this writing guys, तो उसके लिए I'm really sorry, आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी। सो थीम को कैसे सिलेक्ट किया जाता है अपने वर्डप्रेस के साइट के अकॉर्डिंग, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम क्रिएटिंग फूड साइट, सो फूड साइट का थीम फूड साइट की तरह होना चाहिए। इफ़ आई एम क्रिएटिंग फॉर एग्जांपल एन एजुकेशन साइट, सो एजुकेशन का साइट का थीम एजुकेशन की तरह होना चाहिए। सो इसीलिए हर साइट का अपना एक थीम होता है, और उस थीम को पहले सिलेक्ट करना होता है, एंड देन वी नीड टू कस्टमाइज दैट थीम अकॉर्डिंग टू माई कॉन्टेंट, कि मेरा कॉन्टेंट जैसा है उस अकॉर्डिंग मैं उसे कस्टमाइज करूँगा। दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट विच यू नीड टू लर्न। द फिफ्थ इज प्लगइन्स। गाइस, प्लगइन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वर्डप्रेस। प्लगइन होता क्या है, प्लगइन इज़ बेसिकली अ फीचर ऑफ योर साइट। ऐसा कोई फीचर जो मुझे अपनी साइट पे अलग से चाहिए, तो उसके लिए मुझे उसके प्लगइन्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर मैं एग्जांपल दे दूं, तो एग्जांपल ये रहेगा कि अगर मुझे अपनी साइट में स्लाइडर चाहिए,
स्लाइडर मतलब जो होम पेज पे होता है ना आपके प्रोडक्ट्स को दिखाता है स्लाइड कर करके इन 5 सेकेंड इन 6 सेकेंड इन 4 सेकेंड तो उसे स्लाइडर कहते हैं. तो मुझे अगर वो फंक्शन अपनी साइट पे चाहिए तो आई नीड अ प्लगइन फॉर दैट. ओके, तो इस प्लगइन को भी इंस्टॉल करना होता है, एक्टिवेट करना होता है, फिर उसका कस्टमाइजेशन होता है. मैं वो भी बताऊँगा आप लोगों को. राइट, अनदर पॉइंट इज विजेट्स. गाइज, विजेट्स भी इम्पॉर्टेंट है. विजेट्स बेसिकली शॉर्टकट्स होते हैं आपके साइट के फीचर्स. आप अपने साइट के जितने भी मेन फीचर्स हैं या आप कह लीजिए कि मेन ऐसा कुछ कंटेंट है जो आपको ऑल टाइम अपने सारे विजिटर्स को शो करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने विजिट्स लोकेशन पे उन विजिट्स को प्लेस कर सकते हैं सो दैट एवरीबडी कैन सी दैट. एंड फाइनली द सेवेंथ विच आई थिंक अगेन इम्पॉर्टेंट विच इज़ वर्डप्रेस साइट बैकअप. वर्डप्रेस साइट का बैकअप लेना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपको ये सब कुछ सीखना है. वाई? बिकॉज वर्डप्रेस साइट है, इसमें आपने बहुत टाइम से मेहनत की है. फॉर एग्जांपल आपको साल दो साल हो गए वर्डप्रेस साइट को मेंटेन करते हुए, उसमें बहुत सारा कंटेंट चला गया है. फॉर एग्जांपल इन केस अगर मैं एक ब्लॉगर हूँ तो मैंने आज तक दो साल में, एक साल में, छः महीने में कितने ब्लॉग लिखे होंगे. उसका बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज नोबडी नोज, यू नो, मिस हैपनिंग कैन हैपन्स एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो ताकि आपका वर्डप्रेस अगर साइट बैकअप आपका रहेगा तो यू कैन जस्ट सिंपली, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, आप दोबारा उसी जो भी कॉन्टेंट आपका लूज़ हुआ है फॉर एनी रीज़न, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कौन से रीज़न की बात कर रहा हूँ. कभी भी कुछ हुआ तो सिंपली आपके पास तो बैकअप है, आप दोबारा उसे अपलोड करके अपने साइट को ईजिली दोबारा उसी प्लेटफॉर्म पर या उसी पेस पे ला सकते हैं जो कि जहाँ से वो मिस हैपनिंग हुई थी. सो ये 7 मेन चीज़ है जो मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरे सेशन में. आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस सेशन, एंड इस सेशन के बाद आप लोग अच्छी तरह से अपना वर्डप्रेस को आई वुड से लाइक सीख जाएंगे एंड उसे अच्छी तरह इनकैश कर पाएंगे, या फिर प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो यू कैन ईजिली मोनिटाइज योर वर्डप्रेस टैलेंट और एक अच्छा खासा करियर भी बना सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गो एंड स्टार्ट. कैसे करते हैं आई वुड लाइक टू शो यू हियर.